जब हम एक छोटे से ताले पर भरोसा कर कर, छोटे से ताले पर विश्वास कर कर पूरा घर छोड़कर चले जाते हैं, तो ज़रा विचार करिए, घर इतना बड़ा है, उस घर के अंदर सब कुछ रखा हुआ है, पैसा भी रखा है, दौलत भी रखी है, धन भी रखा है, ढेरों सामग्री रखी है, ढेरों ठाट रखा हुआ है, और इतना सब कुछ रखे होने पर हम अपने छोटे से ताले पर विश्वास कर कर, चाबी लगा कर कथा में आ गए, मार्केट चले गए, कहीं दूसरी जगह चले गए। अब कितना विश्वास, कितना भरोसा आपका उस ताले पर होगा, और एक छोटी सी चाबी पर कितना विश्वास होगा कि घर में कोई भी नहीं है, आपका ताला और चाबी है, और आप सब दूर घूम रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसा विश्वास आपका उस ताला और चाबी पर है और आपने पूरा घर उस ताले और चाबी के भरोसे पर छोड़ दिया, और आप पूरे वीरगंज में, पूरे नेपाल में, पूरे रक्सौल में, पूरे बिहार में, सब जगह घूम रहे हो, उसी तरह अपना सर्वस्व जीवन परमात्मा को सौंप कर हम भी अपनी जिंदगी को अलमस्त जीने का प्रयास करें, हम अपने जीवन को सहज जीने का प्रयास करें। हम सब कुछ कर लेते हैं पर विश्वास को दृढ़ नहीं कर पाते। हमारी उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ने के लिए, हमको ऊंचा उड़ान भरने के लिए संत की बड़ी जरूरत होती है, साधु तपस्वी साधक उपासक गुरुजन की बहुत जरूरत होती है। हमें अगर उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ना है, हमें बहुत ऊंची उड़ान भरना है, तो हमको किसी न किसी संत की, किसी न किसी गुरु की, किसी न किसी साधु की, सन्यासी की, तपस्वी की, साधक की, उपासक की जरूरत होगी। एक बात अपने भीतर उतार कर रखो, पक्षी पंख से ऊंची उड़ान भरता है और संसार का मनुष्य संत के चरण से ऊंची उड़ान भरता है। भक्ति का एक बल हम क्यों ना लुटाएं, हम भक्ति क्यों ना प्रदान करें। पक्षी के पंख पक्षी को उन्नति की ओर लेकर जाता है, और सांसारिक मनुष्य को संत साधु गुरुजन ये भगवान की भक्ति की ओर लेकर जाकर उन्नति की ओर अग्रण्य करता है। ये जरूरी, हाँ शिव पुराण कहती है कर्म प्रधान है, आप मेहनत जितनी कर सकते हो दुनिया में उतनी करो, आपको जितनी मेहनत करना है कर सकते हो, आप जितना संघर्ष कर सकते हो करो, दुख भी आएगा सुख भी आएगा, अच्छे दिन भी आएंगे बुरे दिन भी आएंगे, पर उस दुख सुख में अपनी सहज जिंदगी को नष्ट मत करना। एक कथा आती है, एक बच्चा एक बहुत पैसे वाले व्यक्ति के घर में जन्म ले लिया। अब बहुत पैसे वाले व्यक्ति के घर में उस बच्चे का जन्म हो गया, उसने जिंदगी भर सुखी सुख देखा, चांदी की चम्मच मुंह में लेकर जो पैदा होता है तो वो सुखी सुख देखता है, कहां उसने दुख देखा। उस बच्चे ने गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सत्ता वैभव सब कुछ देखा। इस बच्चे की जो माँ थी वो इसको जन्म देकर मर गई थी, पिता ने पाल पोस कर बच्चे को बड़ा किया। पिता अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर रहा है। अब बच्चा जब बड़ा हो गया, पिता के प्राण छूट गए, बच्चा अकेला हो गया। कभी उसने जिंदगी में कोई काम नहीं करा था, बैठ कर केवल खाया था, आलसी जैसा उसका शरीर हो गया था, ना हिलता था, ना जाता था, ना आता था, ना किसी से मिलता था, दिन भर पड़े रहना, खाना एंजॉय करना, खूब अलमस्त जिंदगी जीना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मोटरसाइकिल गाड़ी फोर व्हीलर उठाया, पार्टी करने होटल चले गए, एंजॉय करा, आ गए चले गए, बस ऐसी जिंदगी उस लड़के ने जी थी, और आलसी की जिंदगी जिया, कभी कुछ नहीं किया उसने। पिता के जाने के बाद उसके परिवार वालों ने उसको धक्का देकर, क्योंकि
जब माता और पिता दोनों चले जाते हैं, दो में से अगर एक है तो बच्चे के सिर पर यह समझ लेना कि स्वर्ग का ताज है। जब तक माता पिता उसके सिर पर हैं तब तक बच्चे के लिए स्वर्ग का ताज है। और जिस माता पिता के जाने के बाद बच्चा अकेला पड़ जाए, उसको चारों तरफ से लोग दबाना चालू कर देते हैं, उस बच्चे को दबाना प्रारंभ करा और सारी जायदाद अपनी कर उस बच्चे को धक्कर मारकर निकाल दिया। वो लड़का जो धक्के मारकर निकाला गया, वो घूमते 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 जंगलों में यहां वहां रोडों पर भ्रमण करता 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 भूख लगने लगी उसको, बहुत भूख। और जब उसको भूख लगने लगी, देखा कहीं से भोजन मांगा नहीं मिला, और भोजन मांगा नहीं मिला। बालक दौड़ते दौड़ते जाता जाता देखा क्या करूं, आगे देखा एक आम का बगीचा था, आम के बगीचे में से माली सो रहा था, इसने दो आम तोड़ लिए, खा रहा था, माली के नेत्र खुल गए, डंडा लेकर पीछे भागा, वो बच्चा आगे आगे भागा, भागते 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 वो जंगल में पहुंच गया, घने जंगल में पहुंच गया जिस जंगल में कोई जाए नहीं, ऐसे घने जंगल में पहुंच गया। पहुंचने के बाद घबरा रहा था, अब क्या होगा मेरा, कहां जाऊंगा मैं, क्या खाऊंगा मैं। इतने में उसने देखा कि एक कुत्ता जिसके दो पांव टूटे हुए थे, दो पांव से वो चल रहा था। कुत्ते के दो पांव टूटे हैं, दो पांव से वो चल रहा है। और उस व्यक्ति ने देखा कि बताओ कुत्ता जंगल में दो पांव से चल रहा है, परंतु इतने वीरान जंगल में जहां जीव जंतु रहते हैं, इतने बड़े जानवर रहते हैं, इस कुत्ते को खा जाएंगे, अभी तक जिंदा कैसे है। इतनी देर में उसने देखा कि कुत्ता दो पांव से चल रहा था, सामने उसने देखा एक शेर ने धाड़ा, शेर ने धाड़ा तो ये पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। सामने से शेर आ रहा था, इसको लगा बेचारे कुत्ते को खा जाएगा, ये कुत्ता दो पांव से चल रहा है, कुत्ते को खा जाएगा। सामने से शेर और करीब में आया, और करीब में आया, करीब में आकर शेर के मुंह में बहुत सारा मांस पड़ा हुआ था, उसने कुत्ते के सामने फेंक दिया और फेंक कर शेर वापिस चला गया। जब शेर गया, ये पेड़ पर चढ़ा हुआ विचार करने लगा कि मैंने किसी के मुंह से सुना था जो जन्म देता है पेट भी वही भरता है, इस कुत्ते का पेट भरने के लिए शेर मांस का टुकड़ा ला कर दिया। अब यह भी परमात्मा को पुकारने लगा, पेड़ के ऊपर बैठ गया, अब मेरे को भगवान ला कर देगा क्योंकि जन्म भगवान ने दिया है, भगवान भोजन देगा, भगवान ने जन्म दिया है। बैठ गया, बैठ गया, सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, दिन से रात, रात से दिन हो गया, पर इसको भोजन नहीं मिला। जब भोजन नहीं मिला तो यह बहुत गुस्से में चीख पड़ा, जैसे ही चीखा पास में एक संत रहते थे, वो संत निकल कर आए और उन संत ने आकर कहा भैया नीचे उतरो जरा, पेड़ पर से नीचे उतारा, क्या बात है, क्यों चीख रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, भगवान से क्या दिक्कत है। उसने कहा भगवान बड़ा गजब का है, जिसके पांव टूट गए दो उसको जंगल में भी भोजन दे रहा है और मैं उनका नाम ले रहा हूं और मुझे भोजन नहीं दे रहा, जिंदगी का सारा दुख परमात्मा ने मुझे दे दिया, मेरी माता मर गई, मेरे पिता मर गए, मैं अकेला रह गया, मेरे कुटुंब वालों ने मेरा धन छुड़ा लिया, मैं अकेला जंगल में पड़ा हूं, भगवान मेरा साथ क्यों नहीं देता, भगवान मुझे खाने को क्यों नहीं देता। इतने में संत उसको लेकर चले गए और संत ने अपने पास का भोजन निकाल कर उसको भोजन करने को दिया। संत ने अपने पास का भोजन निकाला और उसको भोजन करने को दिया। भोजन करने के बाद जब उठा, उठते से ही बोला भगवान जब सबका साथ देता है तो मेरा क्यों नहीं देता, मुझे दुख ही दुख देता है। उस कुत्ते को भी तो भगवान ने भोजन दिया, उस कुत्ते को भी तो जंगल में ले जाकर भोजन दिया, तो मुझे क्यों नहीं दिया। संत ने कहा भगवान को कोसो मती, भगवान तुम्हें दुख की घड़ी में अगर साथ नहीं दे रहा है तो यह मत सोचो कि परमात्मा ने साथ छोड़ दिया, तकलीफ पर तकलीफ आ रही है भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा, यह मत सोचो कि परमात्मा ने तुम्हें छोड़ दिया। भगवान कुत्ते को भोजन दिया पर भगवान तुम्हें कुत्ता जैसा नहीं बनाना चाहता था, भगवान तो तुम्हें शेर जैसा बनाना चाहता था जो दूसरे को दे, पड़ा हुआ खाए ना। थोड़ा दुख आता है, थोड़ी तकलीफ आती है, थोड़ा कष्ट आता है, थोड़ी बीमारी आती है, थोड़ा रोग आता है, थोड़ा दुख कष्ट बीमारी रोग तकलीफ सब आती है और सब आने के साथ 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 ये सब कुछ होता है। भगवान लोग कहते हैं मेरी दुकान क्यों नहीं चल रही, मेरा व्यापार क्यों नहीं चल रहा, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, मैं इतनी कष्ट में हूँ, भगवान मेरा क्यों नहीं सुन रहा। भगवान
तुम्हें और अग्नि में तपाकर निखारना चाहता, और अग्नि में तपाएगा और निखारेगा। और अग्नि में तपाएगा और निखारेगा, फिर अग्नि में तपाएगा फिर निखारेगा। जितना जितना अग्नि में तपोगे उतना उतना निखरते चलोगे। भगवान अगर दुख की घड़ी में भी तुम्हारा साथ ना दे, भगवान पर नाराज मत होना, पूजन करना मत छोड़ देना, मंदिर जाना मत छोड़ देना, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ देना, भगवान को एक बेलपत्र चढ़ाना मत छोड़ देना, भगवान की चौखट पर जाना मत छोड़ देना। तुम भगवान की चौखट पर जाना, जल चढ़ाना, निवेदन करना, उसके चरणारविंद तक जाते रहना, क्यों? वो तुम्हारा साथ देगा, पर कुत्ते की तरह नहीं, तुम्हें शेर बनाकर रखेगा, दूसरे को खिलाने वाला, दूसरे को देने वाला, राजसी ठाट में रहने वाला। एक दिन निखार करने के बाद में, निखरने के बाद में वो तुमको कुछ उज्जवलता प्रदान कर देगा, कुछ अच्छा दे देगा, देगा वो सहज नहीं, उसको पहचानो। पक्षी के पंख पक्षी को उन्नति की ओर लेकर जाते हैं, और संत के चरण उन्नति की ओर लेकर जाते हैं। आप करो। कोई कोई कहता है हमने एक दुकान करके देख ली उसमें लाभ नहीं हुआ, हमने दूसरी दुकान करके देख ली उसमें लाभ नहीं हुआ, हमने तीसरी दुकान कर देख ली उसमें लाभ नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ ना, हिम्मत हार गए, क्यों हारे हिम्मत? लाभ नहीं भी हुआ तो हिम्मत नहीं हार रहा है हमको, हम हिम्मत नहीं हार रहे, हम करें मेहनत और मेहनत। कुएं को जितना खोदेंगे, कुएं को जितना खोदते चलेंगे, जितना खोदते चलेंगे, जितना खोदते चलेंगे, उसमें पानी निकल ही जाएगा, उस कुएं में पानी आ ही जाएगा। आप जितना जितना भजन में डूबते जाओ। कल एक माता जी ने पत्र लिखा था, पत्र में रखा होगा वो, एक कोई बहन ने पत्र लिखा था कि मैं भगवान के भजन में, यही यही बीरगंज की है वो, मैं भगवान के भजन में जाती हूँ, मैं भगवान के कीर्तन में जाती हूँ, मैं श्याम बाबा के कीर्तन में जाती हूँ, मैं दादी रानी सती के कीर्तन में जाती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, मैं भगवान को लोटा भर के जल चढ़ाती हूँ, मैं किसी को भगवान की भक्ति करने की बोलती हूँ तो लोग मुझे पागल समझते। जिसने पत्र लिखा था वो यहीं कहीं बैठी हुई होगी, ऐसा नहीं कि नहीं बैठी होगी उसने, कि लोग मुझे ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, और वीरगंज की रहने वाली है वो, उसका पत्र नीचे कल की कथा में था कि भजन करती हूँ लोग ताना देते हैं, लोग पागल समझते हैं, श्याम बाबा के कीर्तन में नाचती हूँ लोग पागल कहते हैं, दादी रानी सती के भजन में जाती हूँ लोग पागल कहते हैं, शंकर जी के मंदिर जाती हूँ लोग पागल कहते हैं। तो आपसे निवेदन है ना, अगर दुनिया के लोग तुम्हें पागल कहना चालू कर दें, भगवान के भजन में डूबे, संकीर्तन में डूबे, भक्ति में डूबे और लोग तुम्हें पागल कहें, तो समझ लेना भगवान के भजन में पागल प्रमोशन होता है और समझदारी डिमोशन होती है। आपको लोग अगर पागल कहें, लोग आपको अपशब्द कहें, लोग आपको ताने दें, लोग आपको गालियां दें, लोग आपको आड़ा टेढ़ा कहें, समझ लेना कि आपका प्रमोशन हो गया, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर अग्रण्य हो गए, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ गए। पागलपंती प्रमोशन है, समझदारी डिमोशन है। भजन में लोगों ने मीराबाई को भाई बांवरी, बांवरी मतलब पागल ही तो होता है, नामदेव जी को लोगों ने पागल कहा, संत तुकाराम जी को लोगों ने पागल कहा, संत एकनाथ जी को लोगों ने पागल कहा, ये प्रमोशन ही तो है, प्रमोशन। आप भजन में डूबे हो, आप भक्ति में डूबे हो, और भगवान की अविरल भक्ति में अगर डूबे हुए हो और लोग तुमको अपशब्द कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, तो कहने दो। जितना जितना कहेंगे उतना सुख का अनुभव होगा। लोग कहें अपशब्द, कहने दो। मिथिला में रहने वाले, जनकपुरी में रहने वाले, इस नेपाल देश में रहने वाले श्री उदयनाचार्य जी, श्री उदयनाचार्य जी, किस किसने नाम सुना है उदयन जी का,
इसी नेपाल देश के जनकपुरी में रहे उदयन जी, इसी जनकपुरी में रहे उदयन आचार्य। अब जरा विचार करिएगा, उस समय पर पूरे चारों तरफ सब जगह पर सनातन धर्म को नीचे दबा दिया गया था, सनातन धर्म को नीचे दबा दिया गया था। एक समय ऐसा आया था कि जो वेद पुराण शास्त्र को पढ़ता था, जो वेद पुराण शास्त्र को जानता था, जो वेद पुराण शास्त्र का स्मरण करता था, उसको भी नीचे दबा दिया गया था, मार दिया गया था। अब देखिएगा जरा, इस नेपाल देश ने, इस नेपाल देश के विद्वानों ने संपूर्ण विश्व को क्या दिया, पूरे विश्व को, संपूर्ण विश्व को क्या दिया, सनातन धर्म को नीचे दबा दिया। तब उदयन आचार्य जी ने बौद्ध भिक्षुकों से अपना शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ करते करते सनातन धर्म को उछाल कर फिर सामने प्रकट किया। लोगों ने उदयन जी को अपशब्द कहे, क्योंकि उन्होंने तर्क शास्त्र का निर्माण कर दिया था। उदयन जी को लोग अपशब्द कहते थे, ताने देते थे, कहां लगे हुए हो, वेदों में लिखा क्या होता है, शास्त्रों में लिखा क्या होता है। उदयन जी ने कहा, मैं वेदों में लिखा हुआ भी होता बता सकता हूं, शास्त्रों में लिखा हुआ भी होता बता सकता। मानने कोई तैयार नहीं था, लोग उनको अपशब्द कह देते थे, पर उदयन जी बड़ी मस्ती में जिंदगी जीते थे, बड़ी मस्ती में। उदयन जी ने अपनी जिंदगी में केवल एक बात जनमानस को बताई, एक बात संपूर्ण विश्व को दी है, एक बात संपूर्ण जगत को दी है। उन्होंने कहा, जैसे रहो खुश होकर रहो, जैसे रहो अलमस्त रहो। अपनी जिंदगी को जितने आनंद में जी सकते हो जियो। एक फकीर गांव में आया और गांव के लोग उस फकीर से चिढ़ते थे। जब गांव के लोग फकीर से चिढ़ते थे, फकीर के ऊपर अपशब्द कहते थे, फकीर को ताना देते थे, फकीर को आड़ा टेढ़ा कहते थे, पूरे गांव के लोग फकीर से चिढ़ रहे हैं, पूरे गांव के लोग फकीर को अपशब्द कह रहे हैं। गांव के लोगों ने विचार कर लिया, अगर फकीर हमारे गांव में आ गया तो इसको जूते की माला पहनाएंगे। और जैसे ही फकीर गांव के अंदर आया और गांव के लोगों ने उसको जूते की माला पहना दी, फकीर बड़ा प्रसन्न होने लगा, नाचने लगा, खुश होने लगा। लोगों ने पूछा, तुम्हें गले में जूते की माला डाली है, तुम्हारे गले में जूते की माला पहनाई है और तुम हंस रहे हो, तुम प्रसन्न हो रहे हो, तुम खुश हो रहे हो। फकीर ने कहा, मेरा भगवान इतनी जल्दी मेरी सुन लेगा ये पता नहीं था। 4 दिन पहले मेरे पांव के जूते फट गए थे, मैंने भगवान से कहा था एक जोड़ दे देना, मुझे क्या मालूम था कि ये 10 जोड़ मिल जाएंगे, मुझे क्या मालूम था कि ये 10 जोड़ मिल जाएंगे। गांव के लोगों ने कहा, बताओ गजब का आदमी है, हमने तो तेरा अपमान करा है, हमने तो तुझे जूते की माला पहनाकर तेरा अपमान करा है। इतने में फकीर कहता है, भले कुछ भी करा हो पर मेरे मालिक का धन्यवाद है जिसने मेरे को पहनने के लिए 10 जोड़ जूते तो दे दिए, कम से कम उसमें मेरी प्रसन्नता तो है। गांव के लोगों ने फकीर के चरण पकड़ लिए, गांव के लोगों ने फकीर के चरण पकड़ लिए और फकीर के चरण पकड़कर गांव के लोगों ने फकीर को धन्यवाद दिया, साधुवाद दिया। फकीर को साधुवाद देते हैं कि गजब की तुम्हारी भक्ति है, गजब की तुम्हारी दृढ़ता है, तुम परमात्मा पर इतना विश्वास करते हो कि कोई ने तुम्हारे गले में जूते की माला पहनाई तो तुमने उसमें भी अच्छाई देख ली। एक संत का जो स्वरूप होता है, एक साधु का जो स्वरूप होता है, एक गुरु का जो स्वरूप होता है, एक भगवत कृपा का जो स्वरूप होता है, एक भगवत बिंदु का जो स्वरूप होता है, वो स्वरूप होता ही ये है कि वो किसी में गलती नहीं देख, अपनी गलती देखकर दुनिया के लोगों में अच्छाई ढूंढता है और उनको अच्छाई देने का प्रयास करता है। अच्छा ढूंढेगा, अच्छा ढूंढकर अच्छा देने का प्रयास करेगा, अच्छा ढूंढकर अच्छा देता है। इसीलिए कथा कहती है, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा,
झूठा है संसार धोखा खाएगा, हर कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। भगवान से प्रीत, भगवान से स्नेह, भगवान से लगन हमें सुख का अनुभव करा देती है, आनंद का अनुभव करा देती है। ढूंढो, दुनिया के लोग आप में बुराई ढूंढेंगे, आप दुनिया के लोगों में अच्छाई ढूंढिएगा। ढूंढेंगे दुनिया के लोग आप में बुराई ढूंढेंगे, आप दुनिया के लोगों में अच्छाई ढूंढिए। पंख और संत बहुत ऊंचे ले जाते हैं। संत और पंख, पक्षी के पंख पक्षी को आगे ले जाते हैं, और संत के चरण, गुरुजन के चरण, भगवत जन के चरण, ये व्यक्ति को बहुत आगे की ओर ले जाते हैं। भजन में मन लग जाए। एक बात ध्यान रखिएगा, दुख की घड़ी में जब तकलीफें ज्यादा आ जाएं, कष्ट ज्यादा हो जाए, बहुत बहुत दुख की घड़ी चल रही हो, बहुत कष्ट का समय चल रहा, उस समय पर दुनिया के लोग तुमको डोलाएंगे, हमारे साथ वहां चल, वहां ऐसा चमत्कार होता है कि तुरंत तू ठीक हो जाएगा, हमारे साथ वहां चल, ऐसा ऐसी एक डोरा बनवा के दूंगी सब काम हो जाएगा, हमारे साथ वहां चल, मैं ऐसी भभूति दूंगी सब काम हो जाएगा। कोई कहेगा हमारे साथ वहां चल, एक नारियल दे देंगे वहां से तेरा काम हो जाएगा, तू हमारे साथ चल वहां से तुझे ये दे देंगे वहां से काम हो जाएगा। जब दुख की घड़ी आती है तब व्यक्ति डोलता है, बड़ा कष्ट होता है उसको, वो डोल रहा होता, डोल रहा है, और दुख की घड़ी में जब वो डोल रहा होता है तब उसके विचार अलग अलग जाते हैं। जब कष्ट की घड़ी आती है तब उसके विचार अलग अलग होने लगते हैं, हमारे साथ वहां चलो वहां ऐसा चमत्कार हो रहा है, हमारे साथ वहां चलो वहां से हमें बेल मिल जाएगी, हमारे साथ वहां चलो वहां से भभूति मिल जाएगी, हमारे साथ वहां चलो वहां से ये मिल जाएगा, हमारे साथ वहां चलो, शिव महापुराण की कथा कहती है, तुमने 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 3 साल, जिस देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाया है उसको छोड़कर कहीं मत जाना, वो महादेव तुमको पार उतार देगा। एक साधे सब सधे, एक साधे सब सधे, सब साधे बिसराए। अगर हमारे बाबा पर आपका भरोसा है, शिव पर अगर आपका विश्वास है, भगवान शंकर पर आपका भरोसा दृढ़ है, तो फिर आप भटकोगे नहीं। फिर आप भटकोगे नहीं। अपना मार्ग नहीं छोड़ोगे फिर आप फिर दड़ी हो जाओ। भटकना छूट जाएगा आपका। डोलता वही है, ऐसा नहीं, ये मन दो हैं। भोजन करने बैठोगे तो 2 मन हो जाएंगे तुम्हारे, कपड़े पहनोगे तो 2 मन हो जाएंगे तुम्हारे, जा रहे हो तो 2 मन हो जाएंगे तुम्हारे। प्रत्येक मनुष्य के 2 मन होते हैं, अलग अलग मन से वो काम करता है। भोजन करने बैठे 2 मन हो गए, पहला कोरा तोड़ा, मन 2 हो रहा है, दाल से खाऊं कि सब्जी से खाऊं, भिंडी की सब्जी से खाऊं कि पालक से खाऊं, मन 2, अचार से खाऊं कि खीर खाऊं, मन 2, कपड़े पहन रहे थे तो मन 2 हो गए, अलमारी खोलते से ही सोच के बैठी थी आज पीले कलर की साड़ी पहनूंगी, लाल कलर की साड़ी पहनूंगी, पर पीले कलर की साड़ी भी 4 तरह की रखी थी, जैसी अलमारी खोली फिर मन 2 हो गए, ये पहनूं कि नीचे वाली कि ऊपर वाली, मन फिर 2 हो गए। भोजन कर रहे हो, मन 2 हो गए, कपड़े पहन रहे हो, मन 2 हो गए, जा रहे थे कथा सुनने के लिए फिर मन 2 हो गए, रिक्शा करूं कि साइकिल रिक्शा करूं, फिर मन 2 हो गए, इस वाले रास्ते से जाऊं कि पीछे वाले रास्ते से जाऊं, मन 2 हो गए, खाने बैठे मन 2 हो गए, कपड़े पहने मन 2 हो गए, दर्शन के लिए गए
तो मन दो हो गए। कभी कभी दो मंदिर पास पास में होते हैं, इधर महादेव का मंदिर है, इधर हनुमान जी का मंदिर है, दो मन वहां पर भी हो गए। अगर मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी और हनुमान जी के नहीं गई तो हनुमान जी को बुरा लग जाएगा। मन दो, फिर मन दो। और उसी हनुमान जी के मंदिर में सामने राम जी बैठे हैं, अगर मैं हनुमान जी के मंदिर में गई और राम जी के मंदिर में नहीं गई तो बुरा लग, मन दो। मन दो है, विचलित होते हैं। आप थोड़े दिन भगवान शंकर की पूजन करोगे, थोड़े दिन शिव जी पे जल चढ़ाओगे, थोड़े दिन भगवान शंकर का गुणगान करोगे, थोड़े दिन शंकर जी को जल चढ़ाओगे, बेलपत्र चढ़ाओगे, शंकर जी का गुणगान करोगे, शिव महापुराण में चित्त लगाओगे, भगवान की भक्ति में चित्त लगाओगे, जैसे ही जिंदगी में थोड़ा सा मोड़ आएगा, मोड़ आते से कोई तुम्हारे पास में आएगा, चल हमारे साथ, हम माला लेकर चलते हैं, चल हमारे साथ वो बाबा के पास चलते हैं, चल हमारे साथ वो योगी सन्यासी के पास चलते हैं, चल हमारे पास हम उसके पास चलते हैं। पर शिव पुराण सुनने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, दुख की घड़ी में भी डोलता नहीं है, उसको मालूम है दुख उसने दिया है तो संवार भी वही देगा, हम अंत तक उसके होकर चलें, अंतिम बिंदु तक हम उसके होकर चलें। बहुत कम ऐसी नारियां होती हैं जो दुख की घड़ी में अपने पति का साथ छोड़कर अपने मायके जाकर बैठ जाती हैं, बहुत कम। ज़्यादातर नारियां अगर पति को दुख आया है तो पत्नी एक ऐसी होती है जो पति को बल देती रहती है, क्यों चिंता करते हो, क्यों टेंशन लेते हो, देखा जाएगा, कर्जा ही हुआ है ना, चुका देंगे, तुम क्यों चिंता करते हो, मेरे पास रकम पड़ी है ना, भेज देंगे, तुम चिंता मत करो, दुकान नहीं चल रही है ना, चलेगी, अपन दोनों मिलके मेहनत करेंगे। एक धर्म पत्नी वो होती है जो पति को बल देती है, पति को बल दे रही है, तुम चिंता मत करो। और एक पत्नी ऐसी होती है, जैसे ही पति का कर्जा बढ़ गया, दुख आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, कोई ऐसे काम हो गए, कोई गलत काम हो गए, मालूम पड़ा पति को छोड़ा, बच्चों को लिया और मायके जाकर बैठ गई, वो केवल पत्नी होती है, धर्म पत्नी नहीं। धर्म पत्नी अपने पति को वापिस काल के मुंह से निकाल कर ले आती है। अभी अभी दो दिन पहले एक अमावस्या गई है, कौन सी थी बोलो, बोलो जम के बोलो जरा, बट सावित्री अमावस्या, सत्यवान के प्राण लेकर जा रहे हैं और सावित्री पीछे पीछे जा रही है, पति को बड़ के पेड़ के नीचे छोड़कर। यमराज कह रहा है, सावित्री तेरे पति को पशु पक्षी खा जाएगा, तेरा पति का शव पशु पक्षी खा जाएंगे, जा नीचे अंतिम संस्कार कर तेरे पति का। सावित्री कहती है, बड़ के पेड़ के नीचे छोड़कर आई हूं, बड़ का पेड़, पीपल का पेड़ और बेलपत्री का पेड़ और आंवले का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जिसके नीचे अगर जो जब तक बैठा रहता है तब तक उसे दुख नहीं आता है, तो मेरे पति के शव को कैसे कोई खा सकता है। एक बट वृक्ष, एक पीपल का वृक्ष, एक बेलपत्री का वृक्ष, एक आंवले का वृक्ष, इन वृक्ष के नीचे जब तक उन वृक्ष की छांव में जो बैठा है, उस वृक्ष की छांव के अंदर जो बैठा है उसको दुख भी आया है ना, तो बाद में आएगा जब वो वृक्ष की छांव से हट जाएगा। तकलीफ भी आई है तो वृक्ष की छांव से हटेगा तब आएगी, रोग भी आएगा तो वृक्ष की छांव से हटेगा तब आएगा। वृक्ष की छांव, पीपल, बड़, आंवला, बेलपत्र की छाया जब तक हमारे सिर पर है तब तक दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग, बीमारी ये सब बहुत दूर है महाराज। क्यों कहते हैं रोज आपसे कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे चले जाया करो, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाया करो। क्यों कहते हैं, प्रयास करो कि बेलपत्री के पेड़ की छांव तुम्हारे ऊपर पड़े। उसका केवल एक ही कारण है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाने का इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने मोबाइल को चार्ज करना है तो किसी चार्जिंग पिन के पास जाना पड़ेगा। भले तुम कमरे में रह रहे हो, तुम्हारे कमरे में सारा सुख है, पर मोबाइल को चार्ज लगाने के लिए चार्जिंग पिन के पास जाना ही पड़ता है। चार्जिंग पिन में लगाकर थोड़ी देर रख दो, मोबाइल चार्ज हो जाता है। उसी तरह अपने जीवन के दुख, कष्ट, रोग, बीमारी, तकलीफ को मिटाने के लिए बेलपत्री के पेड़ की छांव में थोड़ी देर बैठना चालू कर दो, अपने आप सुख का अनुभव होने लगेगा, अपने आप कष्ट जाने लगे। हम उसके भजन में जाएं, हम उसके स्मरण में जाएं। सावित्री, तेरे पति के शव को कोई खा जाएगा, ना ना, बड़ के पेड़ के नीचे छोड़कर आए, क्या चाहिए तुझको, क्या दूं मैं तुझको, कुछ मांग ले मुझसे। सावित्री कहती है,
क्या दोगे आप? मेरे पति के प्राण दे दो बस, वापिस और कुछ नहीं चाहिए। बट सावित्री की अमावस्या के दिन किसी एक माता ने सीहोर आश्रम पर एक मैसेज भेजा और उस मैसेज में लिखकर भेजा कि गुरुजी से पूछना, हम भी तो पति किता मानते हैं, पति का सम्मान करते हैं, पति को आदर देते हैं, तो हम भी सावित्री की गिनती में आते कि नहीं आते? तो सीहोर से मैसेज आया कि गुरुजी वो ऐसा ऐसा पूछा गया है, आप बताओ क्या कहना है। हमने कहा कह दो, जब बट सावित्री आती है तभी तुम पति को प्रणाम करती हो, जब दिवाली आती है तब पति को प्रणाम करती हो, जब करवा चौथ आती है तभी चलनी में मुंह देखती हो, बाकी के समय तो तुम जूड़ा बांध के ऐसी बोलती हो कि पति थर थर कांपता है। केवल एक करवा चौथ का दिन ऐसा होता है कि चलनी में पति का मुंह देखती हो। तुम चलनी में पति का मुंह देखती हो और पति तुम्हारे गले में जो मंगलसूत्र टंगा है उसको देखता है, क्योंकि उसको मालूम है 6 महीने से पीछे पकड़ कर बैठी थी, मेरा पहला करवा चौथ का व्रत आ रहा है, मंगलसूत्र दिला देना। मेरा पहला करवा चौथ का व्रत आ रहा है, मंगलसूत्र दिला देना। बेचारे ने ना जाने कहां कहां से कर्जा कर इतना बड़ा मंगलसूत्र दिलाया, लाल लाल मोती और इतना बड़ा पेंडिल लटक रहा। तुम चलनी में मुंह देख रही हो, तुम्हारा मंगलसूत्र देख रहा 80,000 का है, 80,000। सोलह श्रृंगार में नारी के हाथ की चूड़ी का कलर अलग हो सकता है, चूड़ी की डिजाइन अलग हो सकती है, चूड़ी अलग हो सकती है, चूड़ी महंगी सस्ती हो सकती है, मंगलसूत्र की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, पांव की बिछुड़ी की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, कान के कुंडल की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, तुम्हारे शरीर पर जितने जितने 16 श्रृंगार हैं उसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। केवल मंगलसूत्र की डिजाइन बदल सकती है, नाक की लोंग की डिजाइन बदल सकती है, कान के बुंदे की डिजाइन बदल सकती है, हाथ की चूड़ी की डिजाइन बदल सकती है, पांव की पायल की डिजाइन बदल सकती है। केवल नारी के 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार ऐसा है जिसकी कीमत जो पहले थी वही कीमत आज तक है और उसकी डिजाइन आज तक नहीं बदली, वो मांग का सिंदूर है, एक जैसी डिजाइन है और एक जैसी कीमत है। सारे श्रृंगार की कीमत अलग अलग है, तुम्हारे हाथ की चूड़ी की कीमत अलग होगी, पड़ोसन के हाथ की चूड़ी की कीमत अलग होगी, किसी के साड़ी की कीमत अलग होगी, किसी के जूड़े की कीमत अलग होगी, कजरे की कीमत अलग होगी, गजरे की कीमत अलग होगी, पायल बिछुड़ी की कीमत अलग होगी, पर मांग में जो सिंदूर डाला जाता है वो एक कीमत का होता है, एक डिजाइन का होता है और एक जैसा होता है और वो सबसे भारी होता है। सावित्री यमराज से कह रही है मेरे पति को छोड़ दो, यमराज कह रहा है सावित्री तेरा पति मर चुका है, मांग के सिंदूर को पोछ दे। सावित्री कहती है पूरा श्रृंगार उतार दूंगी पर मांग का सिंदूर नहीं पूछने दूंगी। तब यमराज ने कहा जब तक तू मेरे मांग का अपनी मांग का सिंदूर नहीं उतारती तब तक तू मेरे पास नहीं आ सकती। भगवान यमराज से सावित्री ने कह दिया मैं भी तुझे वचन देती हूँ यमराज, मेरी मांग में जब तक सिंदूर है, जैसे सीता ने लाइन लक्ष्मण जी ने लाइन खींच दी थी और सीता पार नहीं जा सकती थी, मैं भी तुझे वचन देती हूं जब तक नारी की मांग में सिंदूर है तब तक तू उसके पति को उसके सामने लेकर नहीं जा सकता, यह भी मैं तुझे कह देती हूं। यमराज भैंसे पर सवार होकर सत्यवान को लेकर जा रहा था, सावित्री से वचन पर वचन चल रहे थे। यमराज यमलोक में प्रवेश करने लगा, मांग के सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर सावित्री ने केवल हाथ में लेकर अपनी बिंदी पर जो लगाया सत्यवान को लेकर यमराज अंदर नहीं जा पाया। बाहर खड़े होकर कहता है मांग ले, मैं तुझे एक वचन नहीं, तू बोले तो मैं 2 वचन दे देता हूँ, तू बोले तो मैं 3 वचन दे देता हूँ, तू मांग क्या चाहिए। तब सावित्री ने कहा देना चाहते हो? हाँ। अब यमराज को लगा कि लालच में पड़ गई सावित्री, तब कहा पहला वचन दीजिए मेरे अंधे सास ससुर के नेत्र वापिस आ जाएं। यमराज ने कहा तथास्तु। दूसरा वचन दीजिए मेरे सास ससुर अपने पोता पोती का मुख देखें। यमराज ने कह दिया तथास्तु। जाओ। यमराज जाने लगे फिर आग जलने लगी, कहने लगे अब मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूं? सावित्री कहती है तुमने वर दिया है मेरे सास ससुर पोता पोती का मुख देखें
उनके बेटे को तुम ले जाओगे तो पोता पोती कहां से होगा, छोड़ कर जाओ। सावित्री है, पति को वापिस लेकर आ गए। आज भी केवल भारत देश की नहीं, इस नेपाल देश की भी माताएं सावित्री के तुल्य है। आज भी वो अपने पति के लिए ढाल बनकर चलती है और अपने पति को काल से निकाल कर ले आती है, वो सावित्री है। कलकत्ता में वो कैंसर के जो पेशेंट थे उनका जो चरित्र उस पत्र में पढ़ा, हम जब वापिस होटल गए वहाँ जहाँ ठहरे, तो बड़ा आशीष से हमने कहा कि बड़ा विचित्र बात है, बड़ा विचित्र। पति को कष्ट है और पत्नी शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाकर अपने पति के प्राण मंग रही है। हमने कहा आशीष, आज भी सावित्री जिंदा है जो अपने पति के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती है। आज भी सावित्री जिंदा। यहां जितनी माताएं बैठी हैं ना, और जितनी माताएं कथा टीवी पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, मोबाइल पर श्रवण कर रही हैं, ये मेरा विश्वास कहता है आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल खाली नहीं जाएगा। आज चढ़ाओगे तुम्हारी दुख की घड़ी में वो जल तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तुम्हारे जीवन के दुख को मिटाने के, दुख को मिटाने के। आप अविरल भक्ति में लगे हो तो वो खाली कैसे जा सकता, कैसे? आपका किया गया भजन, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया नाम जाप, आपका किया गया स्मरण कभी खाली नहीं जा सकता। बस इतना याद रखिए, स्वस्थ रहते हो आप तो ढेर सारा धन कमा लेते हो। बोलो सही है कि गलत है, जम के बोलो जरा। स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो ढेर सारा धन कमा लेते हो, पर जितना धन तुमने ढेर सारा कमाया है उससे अच्छा स्वास्थ्य वापिस नहीं कमा पाओगे। स्वस्थ रहते रहते धन पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने जीवन पर भी ध्यान देना। जवानी पूरी अगर कमाने में निकल गई तो जिंदगी का फिर कहाँ सुख, बुढ़ापा आ गया, दांत दुख रहे हैं, आंखों से दिख नहीं रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, पांव से चला नहीं जा रहा, हाथ थर थर कांप रहे। कई लोग ऐसे भी होंगे वीरगंज में जिनका मन हो रहा होगा कि कथा पंडाल में जाकर सुनूं, पर शरीर में इतना कष्ट है कि कैसे पंडाल में जाऊं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक तुम्हारा शरीर चले तब तक कथा सुनो, जब तक तुम्हारा शरीर चले तब तक तीरथ करो, और जब तक तुम्हारी तुम्हारे घर में चले तब तक दोनों हाथों से दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, कथा करो, स्मरण करो। तुम्हारी तुम्हारे घर में चले तब तक दान कर लेना, तुम्हारी तुम्हारे घर में चले तब तक पुण्य कर लेना, तुम्हारी तुम्हारे घर में चले तब तक कथा, शिवपुराण, आधिकाधिक सत्संग, भजन, कीर्तन सब करा लेना। जिस दिन तुम्हारी तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, दूसरों की चलना प्रारंभ हो जाएगी, उस दिन तुम शिवपुराण नहीं करवा पाओगे, उस दिन तुम एक रुपया दान नहीं कर पाओगे, तुम उस दिन कुछ भी एक प्यासे को पानी नहीं पिला पाओगे। तुम्हारा मन कर रहा है भूखे को भोजन कराना है और तुमने बहू से कहा मेरे को 5 किलो आटे की पूड़ी बना दे, 1/2 किलो आटे की पूड़ी बना दे, मैं कथा में जा रही हूं वहां पर लोगों को बांटूंगी, तू 1/2 किलो आटे की पूड़ी बना दे। बहू कहेगी मेरे पास टाइम नहीं है, क्या सब लुटाने के लिए पड़ा है? तुम्हारा बेटा इसलिए कमा रहा है कि लुटाओ? तुम्हारी जब तक सत्ता चले, तुम्हारा जब तक भाग्य चले और तुम्हारा हाथ पैर चले तब तक कथा में जाओ, तीर्थ जाओ, और तुम्हारी चले जब तक दान पुण्य सब करो। बाद का कोई भरोसा नहीं, साथ नहीं देता ये शरीर, साथ नहीं देती ये श्वास, कब छूट जाए इसका क्या भरोसा? जोड़ा 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 और आखिरी में बोलो जम के बोलो यही छोड़ा गया। तुम्हारी चल रही है जब तक, मैं बहुत खेतान जी बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत साधुवाद, और आपके बच्चों को भी, आपके पूरे परिवार को भी साधुवाद है। बहुत अच्छा
ऐसा परिवार नहीं देखा जो आगे बढ़कर साथ में कदम से कदम मिलाकर शिव महापुराण की कथा का आनंद करें। साधुवाद है आपको। और ऐसे बेटा और बहू भी धन्यवाद के पात्र हैं जो आप नोएडा में आकर संकल्प लिए कि मुझे कथा कराना है, निरंजन स्वामी जी के पीछे पड़े रहे, कथा करवाना है, कथा करवाना है, कथा करवाना है, कथा करवाना है, और स्वामी जी ने आपको कह दिया कथा होगी, चिंता मत करो। और दोनों आपको भी धन्यवाद, बहू बेटों को भी धन्यवाद, परिवार को भी धन्यवाद। बहू बेटों को मालूम पड़ा कि हमारे परिवार में कथा हो रही है, ऐसी बहू और ऐसे बेटे को भी धन्यवाद है। ऐसी बहू किसी ना किसी अच्छे कुल से आई होंगी जिन्होंने कह दिया मम्मी कथा करो, तैयारी करो, हम हैं साथ में। ये सुख है। कल इनका परिवार मिलने आया था तो बहनों के चेहरे पर इतनी प्रसन्नता, हम सोच रहे जैसे अपने भतीजे की शादी में आई है, जितनी आनंद होना इनकी मिलने के। केतान परिवार की जितनी बेटियां मिलने आई सब इतनी प्रसन्न जैसे कहीं विवाह में आई हो, इतनी खुश। बस यही प्रसन्नता आपके जीवन में होना चाहिए जब अपने मायके में, अपने ससुराल में जब कोई अच्छा काम हो, तुम्हारे चेहरे की स्माइल बढ़ जाना चाहिए कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। हमारे दादा परदादा मायके के भी ससुराल के भी हमारी 71 पीढ़ी में जो चले गए होंगे वो भी खुश हो रहे होंगे कि हमारी पीढ़ी में आज शिव महापुराण की कथा हो रही है जिसने संपूर्ण जीवन को तार दिया है, संपूर्ण। और आप जितने लोग सुन रहे हो ना, बड़े खुश रहा करो, बड़े प्रसन्न रहा करो, कथा में मुसद्दी लाल जैसे मत बैठा करो मुंह उतार के, प्रसन्न स्माइल के साथ खुश रहकर। भगवान ने कितनी कृपा करी साहब, कितनी दया करी। कहां सीहोर भारत में भोपाल के पास, और कहां नेपाल बीरगंज, वो तो तुम सबने एक एक लोटा पानी ज्यादा चढ़ा दिया होगा शंकर भगवान को, इसलिए उन्होंने बीरगंज में यहां बुला लिया। कहीं शिव की कृपा होगी, उनकी उदारता होगी। कर लो सत्कर्म, शरीर चले तब तक कथा में जाओ, शरीर चले तब तक अपना द्वार छोड़कर, क्या छोड़कर, अपना द्वार छोड़कर। ये कथा की आवाज कई कई लोगों के दरवाजे तक भी जा रही होगी, जो आसपास में रहते होंगे उनके दरवाजे तक भी आवाज जा रही होगी। कथा की आवाज तो कहीं तक भी जा रही होगी, लोग सोच रहे होंगे कि यहां तक आवाज आ रही है, हम यहीं बैठकर सुन। ना 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 ना, अपना द्वार छोड़कर परमात्मा के द्वार तक जाओगे तो वो भी हरिद्वार छोड़कर तेरे द्वार तक आएगा, तो ही तो आएगा। अपना द्वार तो छोड़ो। भगवान कृष्ण ने भी रुक्मणी जी से कहा दिया था, ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से जाकर कह दो तू श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर आ जा, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। भगवान ने रुक्मणी जी से ये नहीं किया था कि तैयार होकर छत पे खड़ी हो जाना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। जगदम्बा के मंदिर तक आ, गौरा जी के मंदिर तक आ, मैं तुझे लेने आऊंगा, ये भगवान कह रहे हैं। आप भी कथा के पंडाल तक जाओ, भगवान की अविरल भक्ति तक जाओ, भगवान के भजन तक जाओ, आएगा वो, आएगा समय, वो आएगा और कर जाएगा। बस तुम्हारी अविरल भक्ति, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा विश्वास। शिव कथा कह रही है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप धन कमाने में लगे रहेंगे, धन कमा कमा कर इकट्ठा कर लोगे, पर जैसा तुम्हारा पहले स्वास्थ्य था वैसा स्वास्थ्य तुम धन से कभी इकट्ठा नहीं कर सकते। जैसा था जो भगवान ने बनाकर भेजा, कितना कीमत वाला बनाकर भेजा, नकली नकली होता है और असली असली होता है। जो भगवान ने घुटना दिया था असली, उससे खूब चल लिए, अब डॉक्टर बोला ये गड़बड़ हो रहा है, दूसरा लगाना पड़ेगा, अब नकली लगवा लो। असली था तो नीचे भी बैठ जाते थे, असली था तो ऊपर से कूद भी जाते थे, असली था कितना भी चल लेते थे, पर नकली नकली है, नीचे बैठ नहीं सकते, कहीं ज्यादा चल नहीं सकते, कहीं इधर उधर उचक नहीं सकते, नाच नहीं सकते। जब तक असली तुम्हारे पास में है तब तक इस असली का सदुपयोग करो। जिस दिन नकली लगता चले जाएगा, आंख गड़बड़ हो गई तो उन्होंने कहा लेंस लगाना पड़ेगा, अब लगा तो लिया पर वो लेंस था, कान अच्छे दिए थे भगवान ने, खूब सुनने के लिए दिए थे, इसका असली का प्रयोग तुम्हें करना नहीं आया, 24 घंटे हेडफोन लगाए के मोबाइल चलाती रही, अब असली ए करती फिरे, गया आंख असली दी थी खराब, कान असली दिया था चलेगा। असली के दांत जो भगवान ने दिए कितने मजबूत दिए, और फिर नकली
रोज निकालो कटोरी में, फ्रिज में रखो, निकाल रोज निकाल और निकाल के रोज फ्रिज में रखो। कभी कभी बच्चे खेलने भी ले गए और तुम फ्रिज में ढूंढ रहे मेरा सोफा सेट कहाँ है, ढूंढ रहे असली है। असली के बाल असली के होते हैं, नकली नकली होते हैं। कथा में आई थी किसी ने पीछे से खींच दिया, नकली असली थे। खेतान परिवार मिलने के लिए आया तो हमारे वो ललित महाराज बोले, गुरुजी वो खेतान परिवार मिलने आ रहा है, आप जब तक के रेडी हो जाओ। हमने कहा हम तो ऑलरेडी रेडी हैं। अब किसी के ज्यादा अच्छे होए तो उसको रेडी होने में टाइम लगे, हम यहाँ तो पानी का हाथ लगाओ ने यूज फेर लो तो रेडी, उसमें क्या उसमें क्या। अब जिसके अच्छे खूब जोरदार हो बड़े बड़े दीनानाथ जैसे तो बात दूसरी की, रेडी करता फिर चार घंटे। हमारा दीनानाथ यूज घुमाता रहता 24 घंटे, उसके रेडी रहता हो तो। महाराज सब उसी का है उसका दिया। शिव कथा कर रहे हैं, तारकासुर गजासुर जितने जितने असुर हुए, जितने जितने राक्षस हुए, इनका शिवजी से कोई बैर नहीं था, इनका देवाधिदेव महादेव से कोई बैर नहीं है। इनका तो केवल अगर बैर है तो भगवान नारायण से, इंद्र से, इंद्र की सत्ता से, इंद्र के वैभव से, इनसे इनका बैर। पर महादेव से कोई बैर नहीं है। फिर निवेदन करें शिव महापुराण के माध्यम से, शंकर भगवान का भजन करने वाला, भगवान शिव की भक्ति करने वाला, भगवान शंकर का गुणगान करने वाला या शिव जी की भक्ति में डूबने वाले का किसी से बैर नहीं होता। जो भगवान की भक्ति में लगा है उसका बैर किसी से नहीं। हां दुनिया के लोगों को बेरी लग सकता है कि ये कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, भगवान के भजन में डूबा हुआ है तो बेर लग सकता है। तारकासुर के तीन बेटे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष, इन तीनों ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा कि हमको वर ऐसा दीजिए कि हम तीन अलग अलग पुरी में, अलग अलग नगर में जाकर निवास करें, अलग अलग जगह पर हम रहें और जब हमारे प्राण तब छूटें जब हम तीनों के एक साथ प्राण छूटना चाहिए। अगर प्राण छूटे भी तो हम तीनों के एक साथ छूटे, ठीक है। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तारकासुर भगवान की भक्ति में डूबने वाला था, शिव जी का भजन करने वाला था, पर इंद्र सत्ता का आधिपत्य उसके पास था। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है, स्मरण कर रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 हर हर महादेव। शिव कथा कर रही है, तारकासुर के तीन पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष, और ये तीनों बड़े पर्वत, इन तीनों ने भगवान देवाधिदेव महादेव से तो कुछ नहीं मांगा पर ब्रह्मा जी से इन्होंने मांगा। ब्रह्मदेव से इन्होंने कहा और ब्रह्मा जी से निवेदन करा, ब्रह्मदेव से निवेदन करा, ये तीन नगर जो बसे ऐसी कृपा कर दो ब्रह्मा जी
अगर हमारे प्राण छूटे तो तीनों के एक साथ छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, कह दिया तथास्तु। अब तीनों अलग अलग पुरियों में जाकर निवास करने लगे, तीनों अलग अलग नगर में जाकर निवास करने लगे और तीनों जब अलग अलग नगर में जाकर निवास करे, समय बीता। अब इनको मालूम पड़ गया कि हम तीनों मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, तीनों की मृत्यु होगी तो एक साथ होगी, इसलिए तीनों ने उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया। और इतना उपद्रव किया कि इंद्रलोक हिलने लगा, देवलोक हिलने लगा, सारे के सारे देवता सब भगवान ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से जाकर निवेदन करा ब्रह्मदेव से, प्रभु कुछ कृपा करिए, कुछ करुणा करिए। ब्रह्मा जी ने केवल इतना कहा ब्रह्मदेव ने कि आप तीनों इन तारकासुर के बेटों के लिए आए हो, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष के लिए आए हो, तो इन तीनों को अगर मरना है तो एक ही समय पर मरना होगा, एक ही समय। तब शीश गंगा की धार गले सर्पों का, महादेव बोले कैसे करूं तेरी सेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शिव कथा कर रहे, सब ब्रह्मा जी के पास में जाकर खड़े हुए। ब्रह्मा जी उन सबको लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, भगवान नारायण के पास। और भगवान नारायण के पास में जाकर निवेदन करा, प्रभु तारकासुर के तीन बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की ने बहुत परेशान कर रखा, आप कुछ कृपा करिए, दया करिए। अब भगवान नारायण ने पूछा कि इनकी मृत्यु कैसे लिखी है वो बताओ, अगर प्राण छूटेंगे तो छूटेंगे कैसे वो तो निश्चित बताओ कि इनके प्राण कैसे जाने, इनके प्राण कैसे छूटने। कहा महाराज इनके प्राण छूटने का तो केवल एक तरीका है, केवल एक तरीका। क्या? ये तीनों मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, तो भगवान विष्णु ने कहा कि तीनों को मारना है और एक साथ मरना है तो केवल एक ही है जो तीनों को एक साथ संहार कर सकता है, और वो त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी केवल देवाधिदेव महादेव ही हैं जो इन तीनों को एक साथ संहार कर सकते। बोल डोलेश्वर महादेव की, पशुपतिनाथ भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की, हर हर महादेव। इन तीनों के प्राण अगर छूटेंगे एक साथ तो वो केवल देवाधिदेव महादेव ही है जो मार सकते, केवल शिव, शिव के सिवा कोई। ठीक है, अब ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, इंद्रदेव, गरुणदेव, वरुणदेव, सारे देवता सब एक साथ मिलकर शिव के पास चल दिए। देवाधिदेव महादेव से जाकर प्रार्थना करी, निवेदन करा, भगवान शंकर से जाकर निवेदन किया, प्रभु कृपा करिए, ये तारकासुर के तीन बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, ये तीनों बड़ा उपद्रव मचाए हुए हैं, आप कृपा करोगे तो इनके प्राण छूट सकते हैं। शिवजी ने पूछा इन तीनों को मारना कोई सरल तो है नहीं, एक को अगर मारना हो तो सरल है कि एक को मारना, पर यहां तो तीनों एक जगह पर एकाग्रित होंगे, तीनों एक जगह इकट्ठे होंगे तब इनके प्राण छूटेंगे, और एक रहता है कहीं, एक रहता है कहीं, आप जरा विचार करो, एक दक्षिण में रहे, एक पूरब में रहे और एक पश्चिम में रहे, तो इन तीनों को इकट्ठा करना भारी है, इन तीनों को एकाग्रित भी तो करना पड़ेगा, और तीनों एकाग्रित होंगे तब तो मरेंगे ना। इन तीनों को एकाग्रित करना ही कठिन है, तो क्या करा जाए, इन तीनों को एकाग्रित करिए। भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, 33 कोटि देवता
सारे के सारे पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बनता हूं। पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला, पति का मतलब होता है संभालने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हें साधने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हारी रक्षा करने वाला। इसलिए उसको कहते हैं पशुपति नाथ। विश्वनाथ, द्वारकानाथ, पशुपतिनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, ये नाथ जो संबोधन है ना, ये जो अनाथ होता है उसके लिए नाथ है। और अनाथ से मतलब क्या है, संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है ना, जब माँ के गर्भ में जो बच्चा आता है ना, उसको ये नहीं मालूम रहता कि मेरा कौन है। माता के गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे को यह नहीं मालूम कि मेरा माता कौन है, पिता कौन है, मेरा बंधु कौन, मेरा सखा कौन, मेरे रिश्तेदार कौन, मेरे नातेदार कौन, मेरे कुटुंबी कौन, ये जन्म लेने वाले बच्चे को ज्ञात नहीं है। जन्म लेने वाले बच्चे को भगवान शिव, माता के गर्भ में जब बच्चा जन्म लेता है तब भगवान शंकर जाकर स्वयं कहते हैं तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू जहां जन्म लेगा वहां तू अनाथ नहीं रहेगा, तेरे साथ स्वयं विश्वनाथ रहेगा। जब तक तू है पृथ्वी पर तेरे साथ विश्वनाथ है। हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई चले गया हम अकेले रहेगा, ना 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 ना, अकेले। एक नीम के पेड़ पर बहुत सारे कौवे बैठे थे, एक मैना आ गई। शाम का समय था, रात्रि हो रही थी, नीम का पेड़, बहुत सारे कौवे बैठे थे तो मैना भी आकर बैठ गई। कौवे ने कहा ए मैना चलो उठ यहां से, यहां कौवे बैठे हैं, कौओं की जगह है, तू नहीं बैठ सकती, उठ। मैना कहने लगी रात हो रही है, मैं अपना घर भूल गई हूं, मैं अपना वृक्ष भूल गई हूं। कौवे कहते हैं यह हमारा पेड़ है, यह हमारा वृक्ष है, चलो उठ यहां से, चल जा यहां से, उठ। मैना कहती है रात भर में कुछ घटेगा थोड़ी ना, रात भर में कुछ घटेगा क्या? आप लोगों ने पानी आया थोड़ा थोड़ा, सब सरक गए, सबको बिठा लिया, तुम्हारा कुछ गया क्या? अभी सब चले जाएंगे, पंडाल खाली हो जाएगा, आराम से बैठे रहना, उसमें क्या दिक्कत। इतना पानी गिरे तो लोग किसी कथा में बैठते हैं क्या? सब अपना अपना छाता लेके अपने अपने घर चले जाते हैं, इतना कीचड़ पानी में कौन बैठे। पर सबको मालूम है कि मौसम गड़बड़ हो रहा है, पानी भी आएगा, कीचड़ भी पड़ेगा, इतने समझदार लोग हैं कि छाता भी लेके आए, छाते भी साथ में लाए। और एक तो रोज आता है और बड़ा सारा पीला छाता लेके आता है, वो उधर साइड पीला कलर का बड़ा सारा छाता, एक में 10 भरा जाए, वो रोज आता है। हमको तो लगता है कि उसको पहले से भगवान ने कह दिया था पानी गिरेगा तेरा छाता काम आएगा, हो लेके जा इसको। तो ये तो आपने, मैना कह रही है मुझे केवल रात भर रहने दो, मैं चली जाऊंगी, रात में कहाँ जाऊंगी। कौवे कहने लगे तो दिन भर भगवान का भजन करती है, दिन भर हरी हरी बोलती है, दिन भर शिव शिव बोलती है, दिन भर भगवान का भजन करती है, तू अगर भगवान पर इतना विश्वास करती है तो अंधेरे में भी जा, तेरे को डरने की कौन सी बात है, उड़ यहां से। मैना, कौवे कह रहे हैं हमारी जगह छोड़। मैना कहती है मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, मुझे रह लेने दो, ना 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 ना, तू जा, उठ जा यहां से, उठ उठ तो यहां से उठ, चले जा यहां से उठकर। मैना सोची अब कहां जाऊंगी। कौवे भैया रात भर की तो बात है, थोड़ी सी देर रह लेने दो, ना ना ना, तू भगवान का भजन करती है ना, तो तेरे भगवान में अगर दम है तो जा। मैना उड़ी, एक आम के पेड़ पर जाकर बैठ गई। भगवान के भक्त को जब सताया जाता है महाकाल के भक्त को जब सताया जाता है तब उसका हिसाब लेने के लिए स्वयं महाकाल आ जाता है। महाकाल के भक्त को जब जब सताया जाता है उसका हिसाब करने के लिए मेरा महाकाल आ जाता है। मैना उड़ गई, चली गई, आम के पेड़ पर बैठ गई। रात्रि हुई,
जैसे जैसे रात होने लगी वैसे वैसे मौसम बदलने लगा, हवा चलने लगी, आंधी चलने लगी, तूफान चलने लगा, पानी गिरने लगा, पानी गिरते गिरते ओले गिरने लगे, कौवे भागने लगे, भागने लगे, कौवे भागे, ओले गिर रहे थे, पंख पर लगे, कुछ मर गए, कुछ घायल हो गए, कुछ जमीन पर पड़ गए। सुबह हो गई, मैना उड़ती हुई सामने आई, कौवे ने नीचे पड़े हुए कौओं ने कहा, क्यों री मैना, कल रात को इतना पानी गिरा, इतनी आंधी आई, इतना तूफान आया, इतनी जलवृष्टि हुई, इतने ओले गिरे, तेरा कुछ नहीं हुआ? मैना कहती है, आपने भगाया था, परमात्मा ने गले लगाया था, आम के पेड़ पर भेज दिया। आपने भगाया, अगर मैं ये सोच लेती कि बताओ कौओं ने मुझे भगा दिया, मेरी जाति के लोगों ने, मेरे पक्षियों ने मुझे भगा दिया, और मैं तुमसे विवाद करती, तुम्हारे लिए गलत सोचती, तो मेरा मन गलत हो जाता। मैं वहां से उड़कर आम के बगीचे में चली गई, तेज हवा चली, आंधी चली, आम के पेड़ की एक डाली टूट गई, जड़ से जब डाली टूटी वहां कोटर हो गया। मैना कहती है, मैं अंदर जाकर बैठ गई, रात भर ओले गिरते रहे, मैं बच गई और आज उड़कर जा रही हूं। इसको कहते हैं, भगवान पर भरोसा कर चलोगे तो सब जगह बच लो। ईश्वर पर अगर भरोसा है, शंकर पर अगर भरोसा है, मेरे राम पर अगर भरोसा है, मेरे कृष्ण पर अगर भरोसा है, मेरे नारायण पर अगर भरोसा है, भगवान पर अगर भरोसा कर चल रहे हो, तो कितनी भी आंधी तूफान जल कुछ भी आए वो बचा लेता है। महाराज, दुख जब आता है, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास तुम्हें बचा लेता है। तुमने जितना भरोसा करा, तुमने जितना विश्वास करा, जितनी तुमने दृढ़ता धारण करी है, जितना तुमने विश्वास धारण करा है, परमात्मा तुम्हें बचाएगा, ये निश्चित है, तुम्हारा विश्वास तुम्हें बचाएगा। कहे लोग, कई लोग कहते हैं हमें बहुत आड़ा टेढ़ा बोलते हैं गुरुजी, गुरुजी लोग हमें अपशब्द कहते हैं, गुरुजी लोग हमें ताना देते हैं, गुरुजी हमें लोग आड़ा टेढ़ा बोलते हैं। कोई कहता है शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, कोई कहता है शंकर जी पे बेलपत्र मत चढ़ाया करो, कोई कहता है शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ाया करो, कोई कहता है शिव मंदिर मत जाया करो, कोई कहता है शंकर जी पे जल मत चढ़ाया करो, कोई कहता है शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पिया करो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हम किसकी सुने? शिव महापुराण की कथा कहती है, इस दिल की सुनना, अपने मन की सुनना, जो तुमको अच्छा लगे वैसा भजन करना और अपनी जिंदगी को जीना। आप करो उसका भजन, आप करो मंत्र। शिव कथा कर रही है, तारकाक्ष विदुम्माली और कमलाक्षक्की को मारने के लिए भगवान शंकर ने पशुपति नाथ बन गए। पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हें साधने वाला, पति का मतलब होता है ध्यान देना। पिता और माता में जमीन आसमान का अंतर है। पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकता है, पिता अपने बच्चे का पेट भर सकता है, पिता अपने बच्चे को अच्छे एजुकेशन दे सकता है, पिता अपने बच्चों के लिए दौलत इकट्ठी कर सकता है, पर पिता से ज्यादा फर्ज माँ को अदा करना पड़ता है, अपने बच्चों को संस्कार माँ को देना पड़ता है। आने वाले समय में तुम्हें पूछेगा नहीं पूछेगा, आदर करेगा ना करेगा, सत्कार करेगा ना करेगा, ये माँ सिखाती है, आदर करेगा ना करेगा, सत्कार करेगा ना करेगा, कैसे संस्कार है आपके, ये माँ सिखाती है, अपने बच्चों को संस्कार देने का काम माँ करती है। माँ को बहुत बड़ा फर्ज अदा करना पड़ता है, बहुत बड़ा। भगवान कहते हैं, मैं पशुपति नाथ बनकर जाऊंगा, तुम्हारा पति बनकर जाऊंगा, तीनों को मार भी दूंगा, मना नहीं, पर साथ तुम सबका चाहिए। चार बैल एक साथ रहते थे, जंगल से शेर आता था, चारों बैल एक साथ लड़ते थे, शेर भाग जाता था। शेर ने लोमड़ी से कहा, इन बैलों को मुझे मारना है, करना क्या पड़ेगा? लोमड़ी ने कहा, चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो, मैं चारों को अलग अलग कर दूंगी, एक एक कर कर मरवा दूंगी। लोमड़ी ने चारों बैलों को भड़काना चालू करा, अरे वो तेरा भाई, वो तो तेरे लिए ऐसा कह रहा था। उधर गई, उससे कह दिया, तेरा भाई ऐसा कह रहा था, तेरा व्यापार काट रहा था, तेरे ग्राहक काट रहा था, तेरे ऊपर पानी फेर रहा था, तेरे परिवार पर उंगली उठा रहा था, तेरा भाई, तेरा भाई, तेरा भाई करते हुए लड़ा लड़ा कर झगड़ा करा करा कर चारों बैलों को अलग कर दिया। एक एक बैल का शिकार शेर ने अलग अलग कर लिया, तीन बैल मर गए, चौथा मरने जा रहा था। शेर ने कहा, तू मर रहा है, तुझे मालूम है कि तू क्यों मर रहा है? शेर ने जैसे ही पूछा तो बैल कहता है, हमारे मरने का केवल एक कारण है कि हम
भाई जब एक साथ थे तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उंगली उठा दे, लोगों को फायदा मिल गया, हम अलग हुए और लोग टूट मान को। अपनी एकता को दर्शाइए और अपनी एकता में रहिए। सनातन धर्म कहता है, हमारा सनातन धर्म वर्णन करता है, हमारा सनातन हिंदू धर्म वर्णन करता है, अपने कुल में, अपने परिवार में, अपनी जाति में, अपने संबंधों में, अपने रिश्तों में और अपने धर्म में विवाह करना चाहिए। दूसरे धर्म की ओर विवाह ना करिएगा, ना दूसरे धर्म की ओर जाइएगा। जैसा भारत में सनातन धर्म को तोड़ने के लिए लोग दूसरे धर्म में अपनी ओर आसक्त कर रहे हैं, अब अभी तक नेपाल देश में दूसरे धर्म के लोग हावी नहीं हो रहे थे, दूसरे धर्म के लोग आपके ऊपर हावी नहीं हो रहे थे। अब नेपाल देश में भी धीरे धीरे दूसरे धर्म के लोग हिंदू धर्म सनातन धर्म को तोड़ने के लिए हावी होने लगे और उनको खींचकर अपने धर्म की ओर मिलाने लगे। सावधानी आपको चाहिए। अपने बच्चों को वो संस्कार दीजिए कि अपने धर्म में विवाह करें, अपने धर्म में रहें, अपने धर्म को माने, दूसरे धर्म की ओर आसक्त ना हो, दूसरे धर्म की ओर आसक्त ना हो। शिव जी कर रहे मैं पशुपति बन जाऊं, मार दूंगा इनको, गए मेरे भोलेनाथ मारने के लिए। तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्षकी को मारने लगे तो कमलाक्षकी ने पीछे से फरसा उठाकर शंकर भगवान जो पशु बनकर गए थे उनका सिर काट दिया, धड़ केदारनाथ जी में गिर गया, शीश डोलेश्वर महादेव पशुपतिनाथ के रूप में डोलेश्वर महादेव में आकर गिर गया। शीश डोलेश्वर महादेव के रूप में आकर गिरा। कभी एकांत में जाकर डोलेश्वर महादेव का दर्शन करना। शंकर भगवान जो पशु का रूप धारण करे थे उनका जो शीश था, उनका जो चेहरा था, जब धड़ नीचे गिरा तो शीश वहां जाकर गिरा। एक पशु का जो चेहरा होता है, उसके जो नेत्र होते हैं, उसका जो मुख होता है, उसका जो स्वरूप होता है। कभी एकांत में डोलेश्वर महादेव का दर्शन करना। महादेव जो पशु का रूप रखकर गए थे, धड़ जो केदारनाथ में रहा और शीश जो डोलेश्वर महादेव में रहा, आपको उस पशु के शीश जैसा भगवान का डोलेश्वर महादेव का पूरे शीश का दर्शन हो जाएगा। ब्राह्मण देवता से कहोगे तो वो बता भी देंगे आपको। देवऋषि नारद केदार जी में आए, भगवान नारायण से मिलते हुए देवऋषि नारद केदार पहुंचे और केदार में आकर देवऋषि नारद ने भगवान देवदिदेव महादेव के जब धड़ को देखा, शीश नहीं था। देवऋषि नारद ने केवल धड़ को देखा, शीश नहीं। नारद जी की आंख से आंसू बह रहे, नेत्रों से जल, प्रभु आपका शीश। भगवान देवदिदेव महादेव ने कहा, नारद ये मेरा जो धड़ है और मेरा जो शीश काठमांडू के अंतर्गत डोलेश्वर महादेव के रूप में पशुपतिनाथ के रूप में लोग पूछेंगे, वो कोई साधारण नहीं है। भूलवश भी मान लो, भूलवश कोई भूल से भी यदि एक बार मेरे धड़ का दर्शन नहीं कर पाया और मात्र मेरे शीश का दर्शन डोलेश्वर महादेव के रूप में जो पशुपतिनाथ के रूप में विराजमान है उसका मात्र दर्शन कर ले, एक शमी की पत्ती या एक बेलपत्र केदारेश्वर के नाम को लेकर डोलेश्वर पर समर्पित कर देता है, उसकी मनवांछित फल की प्राप्ति उसको हो जाती है। नाम केदारेश्वर का बोलकर डोलेश्वर पर एक शमी की पत्ती, एक बेलपत्र कोई भूल वश भी समर्पित कर दे तो उसकी मनवांछित फल की कामना पूर्ण हो जाती है। बम का नारा है, उसके सहारे हम जी रहे हैं। हमारा चित्त, हमारी वृत्ति, हमारा मन, हमारी इष्टता, हमारा शिव हो,